गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कविता मैम, आपकी संस्कृत की टीचर। बच्चों, आज अष्टादश पाठ यानी पाठ 18, ईश्वर यत करोति शोभने शोध शोभन मेव करोति। ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, यह पाठ समझाने जा रही हूँ। एकस्मिन् राज्ये एक नृप शासनम करोति। एक राज्य में एक राजा शासन करता था। तस्य एक अमात्य आसीत, उसका एक मंत्री था। स ईश्वरस्य परम भक्त आसीत, वह ईश्वर का परम भक्त था। स नित्यं कथयति स्म यत ईश्वर यत करोति शोभनमेव करोति। वह रोज कहता था कि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा। एकदा अमात्यस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत्। एक बार मंत्री के लड़के की माने बेटे की मृत्यु हुई, तथापि स अकहत, उस फिर भी उसने यही कहा, ईश्वर यत करोति शोभनम एवं करोति, यानी ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। किश्चित कालांतरम नृपस्य अंगुली छुरिकया छिन्ना अभवत्। कुछ समय के बाद राजा की उंगली चाकू से कट गई, अलग हो गई उंगली से, उंगली यानी चाकू से वह कट गई। अमात्य तथ्य अकथय, मंत्री ने फिर कहा, हमेशा की तरह कहा, अतः राजा अमात्या क्रोधित, इसलिए राजा जो है मंत्री पर क्रोधित हुआ। कालांतरे यदा नृपस्य पीड़ा शांता अभवत्। कुछ समय बाद भी राजा की जब दुख मतलब शांत नहीं हुआ, तदा स अमात्यम अवदत। इसके बाद उसने जो है मंत्री को बोला, भो अमात्य, अरे मंत्री, तव पुत्र मृत मम उंगली च छिन्ना, तुम्हारा पुत्र भी मर गया और मेरी उंगली भी चाकू से कट गई। अत्रेश्वर किम शोभनम अक्रोत, यहाँ ईश्वर ने क्या अच्छा किया। अमात्य अवद, मंत्री बोले, यद्यपि अधुनाहम किमपि कथयितुं समर्थो नास्मि, तथापि कालांतरे आवाम अवगमिष्याव। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ समय बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। एकदा नृप अमात्येन सह आखिताय अगच्छत। एक बार मंत्री के साथ राजा शिकार के लिए गए। तत्र वने सहसेव केचन दस्यु अगच्छन। वहाँ वन में जो डाकू जो है उनके साथ आए। ते तव गृहत्वा दस्यु राजस्य समीपम अनयत, और वे उनको डाकुओं के राजा के पास उन्हें ले गए। तत्र दिव्य बालिका सज्जम आसीत, उन्होंने देवी के सामने बलि देने के लिए उन्हें तैयार होने के लिए कहा। दस्युराज अमात्य अप्रच्छत, डाकुओं के राजा ने मंत्री से पूछा, अस्ति तव पुत्र अमात्य अवत। उसने मंत्री से पूछा, डाकुओं के राजा ने मंत्री से पूछा कि तुम्हारा पुत्र है। अमात्य अवत, मंत्री ने बोला, एक पुत्र आसीत, एक पुत्र था परंतु समृत, परंतु वह मर गया। अधुना नास्ति कोऽपि, अब कोई भी नहीं है। स भृतवान अकथयत, उन्होंने उसके डाकुओं के जो वो थे सहचर थे जो उनके साथ रहते थे उनको कहा कि मूर्ख, अस्माकं देवी पुत्र हीनस्य बलिं न वांछति, हमारी देवी जिनकी पुत्र नहीं है उनकी बलि को नहीं चाहती हैं। तरई एतत् त्यजत, इसलिए इसको छोड़ दो। तदा तस्य नृपम आनयत, इसके तब डाकुओं के जो वो थे सहभागी थे वे जो है राजा को ले आए। सहसा दस्यु राजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नायाम अंगुलयाम अपतत। तभी डाकुओं के राजा की दृष्टि जो है राजा के उंगली पर पड़ी, कटी हुई उंगली पर पड़ी। स अवध, उन्होंने बोला, यत देवी विकलांगस्य बलिम नहि स्वीकार करोति, हमारी देवी विकलांग की भी बलि नहीं स्वीकार करती है। हे दस्य, हे मतलब जो डाकू सहचर डाकू, मुच्छते एवं बलर्थ अपरम पात्र पुरुषम शीघ्र मानयत, तुरंत
बल और धन से भरपूर दूसरा पुत्र तुरंत लाओ, शीघ्र लाओ। नृप अमात्यस्य मुक्तो अभवत्। राजा और मंत्री को उन्होंने मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। अंतिम मुक्त राजा अमात्यम कथत। और अंत में मुक्त हुआ राजा ने मंत्री से कहा, तव कथनम, तुम्हारा कथन, ईश्वर यत करोति शोभनमेव करोति। ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, यह सत्य है। समझ में आया बच्चों? थैंक यू।